देख रहे दर्शकों का फिर तो स्वागत है। कोरोना वायरस ने गुरदासपुर में तांडव मचा दिता है कि दस दिए कि गुरदासपुर कानोवान और बटाला 12 नवे केस पाए गए हैं, जिथे इलाके कई सील कर दिए गए हैं। दस दिए कि हूँ तक जिला गुरदासपुर 320 केस पॉजिटिव आ चुके हैं, जबकि 373 केस ठीक होए हैं और 11 लोगों की हूँ तक मौत हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों तो कोरोना के केसों में लगातार वाधे कारण लोगों में बनिया कोरोना संबंधी भय का माहौल। कई सीनियर अधिकारी, डॉक्टर, राजनीतिक लोग भी चढ़े कोरोना की भेट। बाजारों में छाया मातम, सड़कां सुनिया, बस स्टैंड से आवाजाई में सवारियों की हुई गिनती में घाटा। गुरदासपुर बस स्टैंड से छाया सुनसान। जिक्र जो है कि पिछले कई महीनों तो कोरोना ने अपना प्रकोप पाया होया है, पर पिछले एक हफ्ते तो गुरदासपुर जिले में कोरोना वायरस की तेजी आ गई है, जिस नाल बाजारां, सड़कां, दुकानां, बस स्टैंड से सन्नाटा छा गया है, जिथे हर वर्ग के लोग, राजनीतिक लोग, अफसरशाही, बिजनेसमैन, किसान इस दी लपेट विच आ रहे हैं। सब तो पहला बाजारां की गल करते हैं। अज गुरदासपुर जिले में जिथे 12 नवे केस आए हैं, उत्थे ही बाजार में एक दुकानदार की माता कोरोना पॉजिटिव आ गई है, जिथे बाजार में सन्नाटा छा गया है। लोग अपनी सेफ्टी लिए घरों घट निकल रहे हैं, पर उत्थे ही समाज सेवक और दुकानदार ने लोगों को अपील भी की है। सुनो की कहना है। मैं लोक सेवा क्लब का प्रधान होने के नाते रिंकू ग्रोवर सारे अगे एक बेनती करना चाहना कि इस वेले साडे गुरदासपुर दे विच कोरोना की मारो मार पैच गई है। गुरदासपुर दे विच असी जे डिस्टेंस नहीं रखांगे, असी मास्क पा के बाहर नहीं आवांगे, तो साडी ही जान को खतरा होएगा। असी लोगों को जे जरूरत समझिए तो ही बाहर आइए। कोई भी काम है, कोशिश करो कि जे वो बैठे बिठाए हो जाता तो बहुत वधिया, तो ही बाहर निकलो, जे ताडे बाहर निकले बिना नहीं सरदा। मैं सारयां नूं फिर एक बार कहना चाहवागा कि मेरे वीर अपने आप नूं बचाण, क्योंकि जे सरकारां दे विच रहिंदे होए मंत्री साडे सरकारी अफसर करोना की मार दे हेठा आ सकते हैं, तो असी तो फिर भी एक आम जनता वा जी हर जगह एक इधर उधर जाने, सानू अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए और सारे की सुरक्षा वास्ते बाहर ही निकलना चाहिए। धन्यवाद जी। उत्थे जेकर गल करिए बस स्टैंड से आवाजाई से भी इसका प्रभाव पैंदा दिखाई दे रहा है। लोग कोरोना के भय कारण घरों बाहर नहीं निकल रहे और बस स्टैंड से भी सन्नाटा छाया होया है, जिथे ट्रांसपोर्टर भी परेशान दिखाई देते रहे हैं क्योंकि खर्चे नहीं निकल रहे, जिस कारण ट्रांसपोर्टर काफ़ी घाटे का नुकसान झलना पै रहा। लेकिन उतों तक देखा जा सकता है कि लोगों कोरोना का भय जरा गुरदासपुर वासियों वाधा दिखाई दे रहा है, जिस तरह केस वधे पे हैं। उत ही ट्रांसपोर्टर बसों में 4-5 सवारियां लैके ही मजबूरी बस सफ़र करते दिखाई दे रहे हैं, जिथे ट्रांसपोर्टर लखा घाटा पैदा दिखाई दे रहा है। जबकि बस स्टैंड के उपर प्रकोशन डिस्टेंस का खास ख्याल रखा जा रहा है, पर उ ही सवारियां दे ना आन कारण दहशत का माहौल बनया होया है, क्योंकि लोग जड़े आ घर तो बाहर नहीं निकल रहे और हुण कोरोना ने गुरदासपुर में अपना प्रकोप पाना शुरू कर दिता है। सर, बस स्टैंड के उपर हले छोलू थान पई है, कोई कोई चंद चंद जी सवारी जी बसों के निकलती पई है, की कारण है, कि फिर खर्चे निकलते पे है, की करा ता? देखो जी, कारण इस चीज़ का वा कि जोड़ा करोना वा वो दिनों दिन जोड़ा वधी जा रहा वा, लोगों इस चीज़ का इन्ना क डर पै गया वा कि बाहर गए कोई पता नहीं कि सानू की हो जाना, क्योंकि बसों के बिल्कुल ही सवारी है नहीं है, जोड़ा कि ड्राइवर कनैक्टर भी बेचारे इस वेले वेले इतने बह जाते, गड्डिया ला के गड्डी पिछू लिया, सवारी गांह जाती नहीं तो फिर इतने लग जाते हैं। जोड़े गड्डिया के ट्रांसपोर्ट मालक ने उन्होंने जोड़ा बहुत ज़्यादा इस चीज़ का घाटा पै रहा वा, वो तो जोड़े बंदे वर्कर आ उन्होंने तनखावान देने भी इस वेले मजबूर होए पे ने, एक मार चुकी पै चुकी है करोना की, कि जोड़ा अपना पेट पालना भी जोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया वा। जे आने वाले समय के इदा का हाल रहेगा तो मैनू लगता वा कि आम लोग तो कोई करजे की हेठ थले आ के आत्महत्या करते हैं, तो वह बेचार ने भुखमारी ही आत्महत्या करनी चालू कर देनी है। दूजे पासे डीसी साहब वाले मतलब कहता कि इतने टीमां लाइया वा डाक्टर दियाँ, बहुत वधिया चैक करते हैं, तो सवारी जे कोई आँदी है तो उन्हों स्क्रीनिंग कर स्क्रीनिंग करके इतों भेज देने वापस, तो एक एक गड्डी चैक करके भेजते हैं, बहुत वधिया ढंग नाल काम कर रहे हैं।
बहुत ज़्यादा जी करोना के केस वधन करके सवारी बहुत ही ज़्यादा घट हो गई है कि वेख लो तुसीं अड्डे दे विच अपना कैमरा मार के तुहानूं सुन मसान लगे कि आऊँ तो बाकी जी डी रोड से तुसीं कितें कैमरा मार के वेखो तो लोग मोटरसाइकिल ते स्कूटरां ते सफ़र करना जिहड़ा ज़्यादा चंगा समझण लग पए ने। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह जी, मैं ए बी टी सी दसदा चार्जन जी इतने गुरदासपुर। भाज ज्यों ज्यों करोना के केस वधते जाते हैं ना त्यों तो सवारी घटती जाती है, कोई भी सफ़र करके राजी नहीं गा। केस इन्ने वधते जाते हैं वो सवारी बिल्कुल ही घटती जाती है। अड्डे च इस तरह सुन मसान पई है जिता अड्डे च दे फिरिया हुंदा वा। एक तेल के रेट बहुत वध गए ने जिदे करके मालकां नूं भी बहुत घाटा पैण डिया, पर फिर भी मालक बसां चलाउण डे पर विच सवारी नहीं कोई होण डई। तो इस करके वो तनखावां भी मुलाजमां नूं कित्थों देण, वो भी सच्चे ने भी सवारी तो पैसा तो कोई आउण नहीं डिया, तेल ही इन्ने महंगे हो गए ने ते बहुत मुश्किल होण डई है जी। ये स्कूल दीआं फीसां बहुत वध गईआं ने, बिजली दे रेट बहुत वध गए ने, लोकां नूं अपने रोटी का फिक्र पिया भी अं रोटी कितों खानी है। सारा करोना के केस टीवी तो लोग घर घर टीवी आ जेबां च टीवी पाई फिरते आते सुनते भी केस वधदे आ, फिर निकलते नहीं। लोग आपो अपने मोटरसाइकलों से स्कूटरों से कारां से जाण नूं तरजीह दिंदे आ, बस में सफ़र करके कोई राजी नहीं गा। मेरा नाम बलजीत सिंह, मैं अड्डा इंचार्ज रोहतक ट्रांसपोर्ट कंपनी का इत्थे गुरदासपुर बस स्टैंड से। ये जी सवारी का इदा जी सोमवार जे थोड़े क परसेंट सवारी निकलती है माड़ी जी, उस तो बाद कोई ना कोई मरीज निकल पा, वो मरीज निकल पा उस वेले ही रौला पैदा इतने निकल इतने निकलिया, वो सवारी फिर जी जे कोई दो चार सौ गड्डी बढ़ती है तो अगले दिन वो गड्डी सौ से रह जाती है कि इन्ना जरा माहौल जरा सहमदा ना वो इन्ना बन जाता वा। मरीज एक मरीज के नाल कई शहर के बच्चे जी है ना जी 0% आ जाते काम सारे ही। इस कारण दूजा कारण यह आ जी, एक तो डीजल एक टोल डीजल वक्री मार मारदा वा, तो जोड़ा उल्टा टैक्स देन डे तो नाल टोल टोल टैक्स 600 रुपया टोल टैक्स तो डीजल वक्रा, इन्ना खर्चा जोड़ा वा वो गड्डी जी पूरा नहीं कर सकती, इन्ना घाटे का सौदा वा भी किसी के पल्ले कुछ नहीं पैन दिया, ना मालकां दे पैन दिया तो ना कि साडे वर्करां दे कुछ पैन दिया। इन्ना माड़ा हाल आ, बहुत ज़्यादा माड़ा हाल आ, बहुत ही ज़्यादा जो दस नहीं सकते भी किदां गुजारा कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल की घड़ी तो अं लंघ रहे हैं, साड़ी कोई सरकार वालों कोई कित सू को कित कोई आस नहीं दिखती। ये सरकार को चाहिए कि थोड़ा जहा सा कुछ सोचे। तुसी देखिया गुरदासपुर दे विच करोना दे प्रकोप नाल हर पासे तबाही मची हुई है, जिते लोग सहमे हुए हैं अते अपने घरां विच ही रह के इस माहौल विच जिहड़ा आ उह साथ दे रहे हैं। लेकिन उत्थे असी अपने चैनल दे माध्यम राही गुरदासपुर वासियां नूं खासकर बेनती करदे हाँ कि इस वक्त करोना ने जिहड़ा गुरदासपुर विच कहर पाना शुरू कर दिता है, जिस दे दौरान लगातार केस वधदे पे आ, तो तुसी अपने घरां विच ही रहो। जेकर बहुत ज़्यादा जरूरी काम होवे तां ही एक परसन ही घर तो बाहर निकले अते जिला प्रशासन का साथ देन तां कि इस करोना की जिहड़ी महामारी नूं जिहड़ी जंग नूं आ जितया जा सके। जेकर साडी खबर तुहानूं अच्छी लगदियां हन तां इस नूं शेयर जरूर करिया करो तां कि हर एक तक जिहड़ी आ करोना संबंधी जिहड़ा असी संदेश पहुँचाउण विच सफल हो सकीए। धन्यवाद, थैंक यू।